दोस्तों, एक तरफ देश के लगभग हर राज्य में एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, जिससे राज्यों में निवेश और दूसरे राज्यों और अन्य देशों की संपर्कता सीधे तौर पर हो सके, तो वहीं बिहार आज भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए तरस रहा है। बिहार में जदयू के साथ केंद्र सरकार की पार्टी पावर में होने के बावजूद बिहार में कुछ खास बदलाव नहीं दिख रहा है। पर अब कहा जा रहा है कि जल्द ही राज्य में छोटे शहरों के एयरपोर्ट को भी हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। दरअसल बिहार सरकार ने सूबे के ऐसे 6 से अधिक एयरपोर्ट पर सुविधाएं विकसित करने का निर्णय लिया है, जहां हवाई सेवा की जरूरत महसूस हो रही है। इस बाबत सरकार ने भवन निर्माण विभाग को निर्देश दिया है कि संबंधित एयरपोर्ट की वर्तमान स्थिति और भविष्य में जो कार्य किए जा सकते हैं, उन सभी बिंदुओं का आकलन करते हुए संभावित खर्च को बताते हुए रिपोर्ट सौंपे। सूत्रों के अनुसार काम शुरू करने के पूर्व संबंधित एयरपोर्ट का आकलन होगा, देखा जाएगा कि इसे नया रूप देने और चालू करने में कितना खर्च होगा। इसके बाद इस प्लान पर सरकार की सहमति ली जाएगी। सहमति मिलते ही उन सभी एयरपोर्ट के चारों ओर चार दीवारी, वीआईपी लाउंज, हेलीपैड, गार्ड रूम, जनरेटर रूम और सेवा में तैनात सुरक्षा गार्ड के लिए बैरक बनवाए जाएंगे। इसके लिए भवन निर्माण विभाग के अभियंताओं को निर्देश भी दिया गया है। विभागीय जानकारी के अनुसार प्रदेश में आधा दर्जन एयरपोर्ट ऐसे हैं जो राज्य सरकार के नियंत्रण में हैं। इन एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने की पूर्व में भी घोषणाएं होती रही हैं। हालांकि अधिकारियों की माने तो इस बार काम घोषणाओं के बहुत आगे बढ़ चुका है, या फिर ये कहें कि शायद चुनाव का माहौल है, इसलिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन आपको बताएं कि विमानों में लोगों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए लोगों को उनके ही शहर से विमान सेवा मुहैया कराने की दिशा में ये काम किया जा रहा है। वहीं बिहार में वर्तमान में 15 एयरपोर्ट हैं, जिसमें से 6 घरेलू या क्षेत्रीय, जबकि 3 एयरबेस और 3 हवाई पट्टी है। फिलहाल पटना व दरभंगा से घरेलू और गया से कहने को इंटरनेशनल उड़ाने भरती हैं। इन हवाई अड्डों का संचालन विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा होता है, जबकि राज्य सरकार के नियंत्रण में जो क्षेत्रीय एयरपोर्ट हैं, वे मुजफ्फरपुर, सहरसा, मुंगेर, रक्सौल, भागलपुर और बेगूसराय के एयरपोर्ट हैं। वहीं पटना के बिहटा, पूर्णिया व गोपालगंज के सब्या में सैन्य एयरबेस है, जबकि बीरपुर, छपरा और कटिहार में हवाई पट्टी बनी हुई है। हालांकि फिलहाल सभी चिन्हित एयरपोर्ट खाली मैदान है। अब सवाल ये है कि क्या इतने सारे एयरपोर्ट होने के बावजूद भी क्या बिहार में 2 से 3 एयरपोर्ट भी चालू हो पाएंगे? क्या बिहार के लोगों को दूसरे देशों में यातायात के लिए यहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत होगी? क्या बिहार के दूसरे जिलों में, जहाँ पर बहुत ज्यादा डिमांड होता है एयरपोर्ट को लेकर, क्या वहाँ पर एयरपोर्ट बनाया जाएगा? हालांकि पूर्णिया, गोपालगंज और पटना के बिहटा में एयरपोर्ट बनाने को लेकर काफी जोरदार तरीके से मांग चल रही है, और इन दिनों इस सूची में भागलपुर भी बहुत तेजी के साथ उभर रहा है। लेकिन गोपालगंज के सब्या से क्या आपको लगता है कि एयरपोर्ट स्टार्ट हो पाएगा? क्योंकि बिहार के गोपालगंज के सब्या एयरपोर्ट से सबसे ज्यादा ऐसे लोग होंगे जो कि खाड़ी देशों में काम करने जाते हैं, क्योंकि सिवान हो या फिर गोपालगंज हो, वहां से सबसे ज्यादा बिहार के लोग ऐसे हैं जो कि खाड़ी देशों में जाते हैं और काम करते हैं, और उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए। तो क्या बिहार के सब्या एयरपोर्ट हो या फिर पूर्णिया एयरपोर्ट हो, बिहटा एयरपोर्ट हो, भागलपुर एयरपोर्ट हो, इनमें से क्या कोई भी एयरपोर्ट स्टार्ट हो पाएगा, या ये भी सिर्फ चुनावी वायदे बनकर रह जाएंगे?